LNMU के केंद्रीयकृत ऑनलाइन वर्क आज से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के PG समाजशास्त्र विभाग के तत्वावधान में स्थानांतर प्रथम खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के केंद्रीयकृत ऑनलाइन वर्गों का प्रारंभ 15 जून को 2:45 बजे से होगा। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सुंदर प्रताप सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डोली सिन्हा, विकास पदाधिकारी डॉक्टर KK साहू एवं प्रोफेसर चंद्र भानु प्रसाद सिंह की उपस्थिति रहेगी। इस ऑनलाइन शिक्षण से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के छात्राएं जुड़ेंगे। ऑनलाइन शिक्षण 10 जुलाई तक चलेगा। 22 शिक्षकों द्वारा कुल 46 वर्गों संचालित होंगे। प्रतिदिन 2 वर्ग होंगे। प्रथम दिन क्रमशः संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह एवं प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ वर्षा वर्गों का संचालन करेंगे। कार्य तालिका प्रधानाचार्यों के मार्फत छात्राओं को सूचित है। यह जानकारी प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह, समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष सह समाज विज्ञान संकाय अध्यक्ष ने दी है। राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन एलोक्वेंस द्वारा मैथिली कवि सम्मेलन का आयोजन। साहित्य एवं साहित्यकारों का संवर्धित करने हेतु पिछले 2.5 वर्षों से कार्यरत मिथिलांचल की राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन एलोक्वेंस द्वारा मैथिली कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मिथिलांचल के काफी प्रसिद्ध व वरिष्ठ कविगण सम्मिलित हुए। जहां कोरोना के कारण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां पूर्ण रूप से थम गई है, वहीं संगठन अपने ऑनलाइन प्रयासों से क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। धरोहर के प्रति जागरूक हो ग्रामीण डॉक्टर शिव कुमार। महाराज धीराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा की ओर से आम जनमानस में अपना धरोहर के संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से रविवार को जिले मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत भंडी रेशम एवं मकरंदा में एक दिवसीय अभियान चलाया गया। संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के नेतृत्व में कला इतिहासकार डॉक्टर सुशांत कुमार क्षेत्रीय, अभिलेखकार के प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर सचिन चक्रवर्ती, संग्रहालय के तकनीकी सहायक चंद्र प्रकाश के अलावा मकरंदा के युवक कुणाल कुमार मिश्रा ने भंडा रेशम एवं मकरंदा गांव के प्रास्थल एवं प्राचीन प्रतिमाओं का अवलोकन किया। डॉक्टर मिश्र के गांव की प्राचीन मूर्तियों को चोरों से बचाने की अपील की। उन्होंने उपस्थित ग्रामों से अपने शहर की महानताओं के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि मिथिला की मूर्तियों को तस्करों में से बहुत खतरा है, इसलिए उसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। अभी तक मिथिला में हरिहर की 3 ही मूर्तियाँ मिली, इसलिए हाल में मिली यहाँ की हरिहर की मूर्तियाँ उमेश झा के घर में रखी हुई इस मूर्ति की सुरक्षा के लिए उनके परिवारजनों को आगाह किया है। डॉक्टर मिश्र के अनुसार वनेश्वरी देवी की आंखों में धातुओं को लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। उनके अनुसार मूर्ति पर पानी, सिंदूर, दूध, दही, मिठाई, फूल आदि अन्य चढ़ाने से परहेज करना चाहिए। यह शिव वहिनी दुर्गी मूर्ति की करीब 800 वर्ष की है तथा मिथिला की। पुलिया बनाने को लोगों ने किया प्रदर्शन। लगातार जल जमाव से परेशान भड़वारा पुरानी बाजार के ग्रामीणों ने पुल नहीं तो रोड नहीं का नारा लगाते हुए जल जमाव स्थल पर पहुंच गए। सड़क निर्माण के साथ ही पुलिया निर्माण की मांग कर रहे थे। हाथों में तख्तियां एवं बैनर लिए ग्रामीण सोमवार की सुबह पुरानी बाजार स्थित जर्जर पुलिया के पास हुए जल जमाव स्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया जर्जर होने के कारण प्रताप चौक से पश्चिम स्थित फकीर टोला, नोनिया टोला एवं पासी टोला के घर घर में बारिश का पानी जमा हो जाता है। इस आसपास स्थित 2 डबरे का पानी इसी पुलिया से बाहर निकलता है। सड़क निर्माण के क्रम में इसे बंद किया जा रहा है, जिससे जल जमाव की स्थिति और भयावह हो जाएगी। स्थानीय विधायक सह श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने इस सड़क के निर्माण की अनुशंसा की थी। ग्रामीणों का कार्य विभाग अधिकारी की सूझबूझ की कमी के कारण जर्जर पुलिया की जगह नई पुलिया की व्यवस्था नहीं की जा रही है। सड़क निर्माण के क्रम में जर्जर पुलिया को बंद करने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए, विभाग के खिलाफ गुस्सा प्रकट करने लगे। वार्ड सदस्य मोहम्मद नसीम, जगमोहन महतो, मोहम्मद जाहिद, शुभ महतो, निराले सा, विजय चौधरी आदि ग्रामीणों ने बताया पुलिया निर्माण के संबंध में आवेदन BDO रंजीव राजन कुमार एवं स्थानीय विधायक सह मंत्री को भी भेजा जा रहा है। कोरोना से मृतक के परिजन को दिया 4 लाख का चेक। कोरोना से मृतक महिनाब गांव निवासी राजकुमार झा की पत्नी जेवशी देवी को सोमवार को विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने आपदा कोष से 4 लाख रुपए का चेक दिया तथा मृतक के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर विधायक ने CO भुवनेश्वर झा को कहा कि कोरोना से मृतक की जिले से मिली सूची के आधार पर भुगतान कार्य में तेजी लाए। CO ने बताया कि कोरोना से 13 मृतकों की सूची जिले से मिली है, पीड़ित परिवारों को शीघ्र भुगतान किया जाएगा। इस पूर्व विधायक प्रोफेसर चौधरी ने बेलौन गांव पहुंचकर तालाब में डूबने से मृतक अमन कुमार की माता किरण देवी को 4 लाख का अनुग्रह अनुदान राशि का चेक दी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।